अस्सलाम वालेकुम। एक और लेसन की तरफ बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के। ये लेसन नंबर हमारा 9 है। इस पे भी हम डेटा और डेटा कलेक्शन के मुताबिक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हमारे लर्निंग आउटकम क्या बनेंगे। देखें, ये लर्निंग आउटकम है डिस्टिंग्विश कर सके हम ग्रुप एंड अन ग्रुप डेटा के दरमियान। यानी कि अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ये दो मुख्तलिफ तरह के डेटा नज़र आ रहे हैं, तो आइए हम इनको पहचानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा को देखते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स जो है 15 स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो शो किया गया है कि इन्होंने साइंस के मजमून में या साइंस के टेस्ट में 100 में से कितने नंबर हासिल किए। तो ये हर एक स्टूडेंट्स का जो है इसके अंदर डेटा दिया हुआ है। यानी स्टूडेंट नंबर 1 के 76 हैं, तो 2 के 51 हैं, 3 के 65 हैं, 4 के 62 हैं, इसी तरह से 15वें स्टूडेंट्स का 60 है। तो अगर आप देखें तो ये क्या है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है। यानी इस डेटा के अंदर हर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन शो की जा रही है। तो ऐसा डेटा जिसके अंदर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन शो की जाती है उसको हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। आगे चलते हैं ग्रुप डेटा की तरफ। देखें, वही एक एग्जाम्पल है जो साइंस स्टूडेंट्स के, जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं। हमने सबसे पहले देखा कि भाई ये स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होते हैं, यानी कि सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इसलिए हमने इसका रेंज निकाला, यानी सबसे कम 50 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 80 है। फिर हमने इनको ऑर्गेनाइज किया ग्रुप्स के अंदर और ये हमने 10-10 के ग्रुप्स बना लिए। यानी 51 से 60 वाले कितने होंगे, 61 से 70 वाले कितने होंगे और 71 से 80 वाले कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो ये देखें, ये टैली मार्क्स की तरह जो है ये टैली लगा ली गई। टैली मार्क्स जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगाना है, वो हमारे पिछले असबाक में दिया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको टैली वाला लेसन आपको मिल जाएगा। और इस तरह से 4-8 है, और फिर हम अगर इसको समराइज करके लिख लें तो इस तरह से ये एक ग्रुप की सूरत में आ गया है। यानी कि ये हमें ये बता रहा है कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के बजाय, बल्कि ये बता रहा है कि 51 से 60 के रेंज के दरमियान जो है वो 4 स्टूडेंट ने स्कोर किया है, 61 से 70 के रेंज के दरमियान 8 स्टूडेंट ने स्कोर किया है, और इसी तरह से 71 से 80 के रेंज के दरमियान 3 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अभी अगर हम डेटा को जो है अरेंज कर लें और क्लासिफाई कर लें ग्रुप्स की सूरत में, तो हम जो है इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। ऐसे डेटा को जो क्लासिफाई हो, अरेंज हो ग्रुप की सूरत में, उसको ग्रुप डेटा कहा जाता है। और वो डेटा जो कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है वो अनग्रुप डेटा कहलाता है। आइए एक एक्टिविटी करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो डेटा है ये ग्रुप है या अनग्रुप है। तो देखिए, ये एक इंफॉर्मेशन है, यानी इसमें नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स हैं, और हर स्टूडेंट्स के आगे उसका इंडिविजुअल स्कोर दिया हुआ है कि उसने टोटल एग्जाम्स में कितना स्कोर किया। तो यकीनन ये आपने पहचान लिया होगा कि ये इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है, तो इसलिए ये एक अनग्रुप है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा है? ऑफ कोर्स ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि इनफे जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप्स की सूरत में दी हुई है, यानी रेंज की सूरत में। जैसे 5 से 10 मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो 10 है, इसी तरह से 20 से 25 वाले जो है वो 7 है। तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप्स की सूरत में दी हुई है। आइए इसको आइडेंटिफाई कीजिए। यकीनन ये भी जो है ग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्रुप्स की सूरत में दी हुई है। यानी 41 से 45, 46 से 50, तो ये ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसलिए ये ग्रुप डेटा है। आइए आगे चलते हैं और ये बताइएगा क्या है। हाँ, यकीनन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये अनग्रुप डेटा है, क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कलेक्ट की हुई है कि अलजेब्रा के एग्जाम में हर स्टूडेंट्स का 100 में से उसका स्कोर दिया हुआ है। तो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है, यानी ये अनग्रुप डेटा है। इसी तरह से ये दिया हुआ है कि स्कोर क्या है बाय प्लेयर्स ऑफ अवर स्कूल क्रिकेट टीम इन वन डे मैच। यानी हर खिलाड़ी का स्कोर जो है, यानी पहले नंबर वाले खिलाड़ी ने इतना किया, 11वें नंबर ने 21 रन स्कोर किया, इसी तरह से जो 7वें नंबर पे बैटिंग करने गया उसने 8 रन स्कोर किए। तो ये इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए ये अनग्रुप डेटा है। और आइए देखें इसमें, अच्छा इसमें ये ग्रुप है अनग्रुप है, क्योंकि हाँ जी जी ये अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा है। क्यों? क्योंकि देखें ये हाइट जो है वो ग्रुप्स की सूरत में दी हुई, यानी इसमें फ्रीक्वेंसीज बनी हुई है कि 130 सेंटीमीटर का एक स्टूडेंट है, 145 सेंटीमीटर्स के 2 स्टूडेंट्स है। तो इसलिए हमने इसको कैटेगराइज कर लिया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है डेटा को, और तो ये एक ग्रुप की सूरत में लिखा गया है, यानी ये एक ग्रुप डेटा है।
आपको 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 ग्रुप और अनग्रुप डेटा के दरमियान तमीज़ करना आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको वीडियो अपडेट टाइमली मिलते रहे। बहुत शुक्रिया।